तो स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में कृषि पर चर्चा करेंगे। भारत में कृषि प्राचीन काल से होती आई है, जहां सिंधु सभ्यता में हम कपास की खेती किया करते थे, जहां उसको सिंडन कहा जाता था। उस समय कपास का एकमात्र जो उत्पादक देश हुआ करता था वह भारत ही था, जिसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। उस समय शायद देश ना बने हो, लेकिन सभ्यताओं का विकास हो चुका था। उसके बाद हमने अपनी जो है कृषि का विस्तार किया, तो हम प्राचीन काल के बाद मध्य काल में आए, मध्य काल के बाद हम आधुनिक काल में आए, और आधुनिक काल के बाद आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। और आज कृषि का विशेष महत्व है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकांशतः कृषि की जाती है, और भारत के विविध क्षेत्रों पर विविध प्रकार की फसलें की जाती हैं, चाहे भारत के तटीय भाग क्यों ना हो, चाहे भारत के मैदानी इलाके क्यों ना हो, चाहे भारत के शुष्क रेगिस्तान ही क्यों ना हो, जहां पर जिस प्रकार की जलवायु हो, उस प्रकार की जो है कृषि की जा रही है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है प्राथमिक सेक्टर में रखा जाता है, प्रथम सेक्टर में रखा जाता है, और इसको इसका जो योगदान है जीडीपी में वो 17.1% है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, करीब करीब 55%। अगर हम बात करें भारत में कृषि की, तो कृषि जो शब्द है वो एग्रीकल्चर से मिलकर बना है। इसमें हम देख रहे हैं कि एग्री एग्री का मतलब मृदा होता है, और कल्चर का मतलब कोई कृषि से है। चाहे आप अन्य कृषियों की बात क्यों ना कर ले, चाहे पिसी कल्चर हो, चाहे आपका और कोई भी हनी कल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जिस प्रकार की खेतियां हैं वो कल्चर कृषि ही कहलाएंगी। अब उसके आगे हमने एग्री जोड़ा है, तो अर्थात मृदा, यानी मृदा में होने वाली कृषियों की बात कर रहे हैं। अगर हम भारत में कृषि क्षेत्र की बात करें, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक सेक्टर में रखा गया है। प्राथमिक सेक्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि कच्चे माल को इस कृषि क्षेत्र से ही जो है पहुंचकर और सेकंड उद्योगों में ले जाया जाता है। सेकंड जो क्षेत्र है, जहां पर उद्योगों वाला क्षेत्र है, कच्चे माल को वहीं पर प्रोसेस किया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में जो संलग्न व्यक्ति है, जो कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का प्रतिशत है, वो 55% है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 55% जो लोग हैं वो भारत में कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारत में कृषि क्षेत्र की बात करें, तो देश की जीडीपी में ये 17.1% योगदान देता है, लगभग 17% योगदान देता है, और जबकि अमेरिका में कृषि क्षेत्र का योगदान और भी कम है। हम ये जो योगदान है 17.1% योगदान, ये योगदान इसको कम किया जाना चाहिए। क्यों? कि भारी मात्रा में लोग आज भी कृषि कार्यों में संलग्न हैं, और ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित जो है व्यवस्था है भारत की, कृषि आधारित। इसके अलावा हम भारत की बात करें, तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार की फसलें की जाती हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार की फसलों को तीन बड़े वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक रबी की फसल, नंबर दो खरीफ की फसल, नंबर तीन जायद की फसल। अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें खरीफ की फसल देखने को मिलेगी। तो जब खरीफ का जो सीजन स्टार्ट होता है, तो वो जून से सितंबर तक स्टार्ट होता है, और हम जानते हैं कि भारत में जो वर्ष है, जो कृषि वर्ष है, उसको खरीफ की फसल से ही लिया जाता है। तो ये जून से सितंबर तक होती है। आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी फसलें की जाती हैं खरीफ की फसलों में। तो प्रमुख रूप से चावल है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, अरहर है, यानी कि अरहर को हम तुअर भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम रबी की फसल के ऊपर आते हैं, और रबी की फसल को करते हैं, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक करते हैं। और इन फसलों में गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ, इनकी खेती की जाती है भारत में, इनकी कृषि की जाती है। और फिर उसके बाद अक्टूबर मार्च के बाद, और अप्रैल और जून का महीना आता है,
तो हम जायद की फसल करते हैं। जायद की फसल में हम वनस्पतियों की खेती करते हैं, जैसे फूलों की खेती वगैरह करते हैं हम लोग। इसके अलावा सब्जियां करते हैं, जैसे हम बागवानी वगैरह कहते हैं। इसके अलावा फल, फलों की खेती भी हम करते हैं, और प्रमुख रूप से चारा फसलें। अगर मैं इनमें कहूँ कि सब्जियों में खीरा ककड़ी, तो जो खीरा ककड़ी वगैरह जो आती हैं वो सब जायद की फसलों में आती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर भारत के हम प्रमुख फसलों की बात करें, मुख्य फसलों की बात करें, तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्यों? कि पूरे देश में अधिकांश तटीय, क्योंकि पूर्वी तटीय जो राज्य है वहां पर चावल की मुख्य खेती की जाती है, और यह पूरे भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। दूसरी अगर हम बात करें गेहूं, बड़े पैमाने पर भारत में गेहूं किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर विशेष रूप से गेहूं किया जाता है। उत्तर भारतीय इलाकों में गेहूं किया जाता है, जिसमें यह उत्तर भारतीय राज्यों की प्रमुख जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं के लिए तराई वाले क्षेत्रों का जो है यहाँ पर चुनाव किया गया, और विशेष रूप से गंगा घाटी के क्षेत्रों में जो है गेहूं का उत्पादन खूब किया जाता है। इसलिए हम बात कर रहे थे कि भारत में कृषि की, भारत में कृषि की हमने बात की, तो मैंने आपको बताया कि भारत की जो अधिकांश आबादी है वह कृषि कार्यों में संलग्न है। लगभग 55% जो आबादी है वह कृषि कार्यों में संलग्न है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कृषि जो है 17.1% योगदान देती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का मुख्य भाग कृषि से ही आता है। और इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि भारत में खरीफ, रबी और जायद की फसलें भी की जाती हैं, और ये फसलें जिसमें समय के अनुसार की जाती हैं, जैसे जून से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, और अप्रैल से लेकर जो है जून तक ये खेती की जाती हैं। भारत में प्रमुख कृषि विधियां भी है, जिनमें एक है आपकी विस्तृत कृषि, जिसमें हम बात कर रहे हैं बड़ी जोतों की। बड़ी जोतों में की जाने वाली कृषियां, यहां पर होता क्या है कि यहां पर कृषि यंत्रों की सहायता ली जाती है, और बड़े आकार के जोत बनाए जाते हैं। बड़े जो जोतें होती हैं उनको बनाया जाता है, मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम अमेरिका में होने वाली खेती की बात कर रहे हैं। अमेरिका में जो है विस्तृत प्रकार की कृषि की जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो विस्तृत प्रकार की कृषि की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में गहन श्रमता, यानी कि जो भारत में कृषि है वो कृषि में ज्यादा लोग लगे हुए हैं। अमेरिका में लोग जो है वे कृषि कार्यों में बड़े बड़े फार्म उद्योगों खोले हुए हैं, बड़े बड़े उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्रों को ले रखा है, और वहां पर बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों के साथ ही काम करते हैं। आइए अगली है गहन कृषि। गहन कृषि का एक अन्य नाम है जीवन निर्वाह कृषि, और इसको हम जीविकोपार्जी कृषि भी कहते हैं। जीविकोपार्जी कृषि, इसका मतलब क्या है कि किसी किसान के पास केवल भूमि पर वह खाद्यान्न खाने के लिए ही पैदा करता है, और अपने परिवार के सदस्यों की पूर्ति के लिए वहां पर पैदा करता है। जैसे कि उसके पास कोई न्यूनतम भूमि होगी और वह अधिक उपज करने की कोशिश करेगा, और परिवार के सदस्यों को, अपने जो परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए इस प्रकार खेती करता है। तो इस प्रकार की खेती को हम गहन कृषि का नाम देते हैं, और उपज की पैदावार करता है अपने परिवार के सदस्यों के लिए। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी कृषि में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी और वह अधिक उपज की बात करेगा। तो गहन कृषि भारत में बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि भारत में बड़ी जोतों के आकार वाले जो खेत हैं वो कम है, मध्यम जोतें भी कम है। तो भारत में लघु और सीमांत जो जोतें हैं बहुत ज्यादा हैं। किसी के पास 2 बीघा खेत है, किसी के पास 1 बीघा खेत है, किसी के पास 1.5 बीघा खेत है। तो ये लोग वास्तव में गहन कृषि कर रहे हैं। गहन कृषि हम देखें तो आप अपने क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि किसी के पास 1.5 बीघे 2 बीघे, तो वो अपनी फसल को बेचता नहीं है, वह अपने लिए खाद्यान्न का जो है इस्तेमाल करता है, खाद्य के लिए साल भर तक चलाता है उसको। और भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। हम लोग अगले जब हम इसके बाद हम लोग जब हम कृषि कृषियों की विधि के बाद हम लघु, मध्यम, सीमांत
बड़े किसानों की बात करेंगे, भारत में किस प्रकार के जोते हैं, भारत में जोतों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट खेती है स्थानांतरित खेती, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, इसे झूम खेती भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग झूम खेती इसको फेमस रूप में यानी प्रसिद्ध रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्थानांतरित कृषि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होती है, और इसमें हम देख रहे हैं कि झूम खेती तो इसे उत्तर पूर्वी भारत में कहा जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में कहा जा रहा है, जैसे असम हुआ, अरुणाचल हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन क्षेत्रों में हम लोग इसको झूम खेती कह रहे हैं। और झूम खेती क्यों कह रहे हैं कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती की जाती है, यानी कि होता क्या है कि इस खेती में कि एक स्थान पर झाड़ियों को काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, और जलाने के बाद उस एरिया में खेती की जाती है, फिर वो खेती छोड़ दी जाती है, वहां पर वो जमीन को छोड़ दिया जाता है, फिर अगली जमीन को इस तरीके साफ किया जाता है, फिर वहां पर जलाया जाता है उसको, जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, और राख का इस्तेमाल करके वहां पर जो है खेती की जाती है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्लैश एंड बर्न खेती, स्लैश एंड बर्न खेती, बर्न एग्रीकल्चर। ध्यान रहे इस बात का कि इसको दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, स्लैश एंड बर्न, एंड बर्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसके विभिन्न नाम हैं, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम हैं हमारे देश में। जैसे मैंने अभी बताया आपको, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम खेती कहते हैं, इसके अलावा राजस्थान में हम बात्रा कहते हैं, बात्रा, और या बालतरे भी कहते हैं। तो झूम खेती के भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न नाम है, क्योंकि भारत में अधिकांश जो खेतियां हैं आज भी सफाई करके, क्योंकि भारत में, उत्तर भारत में या महाराष्ट्र में, गुजरात में ही बड़ी जोतें हमें देख रहे हैं, देखने को मिल रही हैं। लेकिन हम पश्चिमी घाट की बात करें, झारखंड की बात करें, या पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जंगल है, तो लोग बाग जो वहाँ के आम किसान है, जो वहाँ के स्थानीय लोगों, पहले जगह को साफ करते हैं, और जगह को साफ करने के बाद वहां पर जो है उसको जला दिया करते हैं, जो साफ जो झाड़ियां हैं उनको जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर खेती करते हैं। ऐसे राजस्थान में हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान के कुछ जो उदयपुर वाले इलाके हैं वहां पर हम लोग वात्रा या वालतरी खेती कर रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इस खेती को, जो झूम खेती है, इसका अन्य नाम है पौंडू, पौंडू के नाम से जानते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामों में आप ध्यान में रखिए कि पूछ सकता है आपसे कि कौन से क्षेत्र में झूम खेती का क्या एक लोकल नाम है, या क्या अन्य नाम से जानते हैं हम लोग। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यह दीपा और बेवर, माफ कीजिएगा, बेवर के नाम से हम लोग जानते हैं, दीपा और बेवर, ये छत्तीसगढ़ में होने वाली झूम खेती है, क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासी लोग आज भी पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। अगर हिमालय क्षेत्र की बात करूं, तो हिमालय क्षेत्र में विशेष रूप से दो राज्यों की बात कर रहा है ये, और तो इसमें एक तो आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इसको खिल कहा जाता है, जो झूम खेती है इसको खिल कहा जाता है, और एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। एक प्रकार की कैसी कृषि है भाई, स्थानांतरित कृषि है। इसके अलावा हम पश्चिमी घाट की बात करें, तो पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको हम लोग कुमारी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुमारी कह रहे हैं। वहां पर लोकल नाम दिया जा रहा है और इसको कुमारी नाम दिया जा रहा है। इसी प्रकार से झारखंड में कोरवा, इसी प्रकार से झारखंड में कोरवा कह रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की कृषियां की जा रही हैं, जिसमें विस्तृत कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, और जिसमें झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में अन्य नामों से पुकारा जा रहा है इनको। लेकिन आइए देखते हैं कि जो झूम खेती है, जो स्थानांतरित कृषि है, इसके प्रभाव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर एक प्रभाव क्या है कि भाई पर्यावरण को हानि हो रही है।
क्या हो रहा है, पर्यावरण को हानि कैसे हो रही है। अब देखो आप जा रहे हो कि यहाँ पर आप कहीं किसी, आपने झूम खेती की है और आप पर्यावरण को हानि कैसे पहुंचा रहे हो, तो आपने उसको जला दिया, आपने पर्यावरण में प्रदूषण किया है, तो पर्यावरण को हानि हो रही है, पर्यावरण को हानि, वन्य जीव जा रहे हैं वहां से, वहां पर नई प्रजातियां जो पैदा हो गई उनको आपने जला दिया है, इस प्रकार से वहां पर हानि हो रही है। इसके अलावा भूमि जो उपज है उसकी शक्ति में कमी आ जाती है, भूमि की उपज में कमी आ जाती है इस प्रकार से। और जब भूमि